कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह समेत राजनीतिक जगत के कई दिग्गजों ने शोक जताया है। राहुल गांधी ने ट्विटर पर इस हत्याकांड पर दुख जताते हुए लिखा है, होनहार कांग्रेस नेता और प्रतिभाशाली कलाकार सिद्धू मूसेवाला की हत्या से बहुत दुखी हूँ। दुनिया भर से उनके चाहने वालों और प्रशंसकों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदनाएं हैं। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने लिखा है, सिद्धू मूसेवाला की हत्या से मैं स्तब्ध और गहरा दुखी हूं। इसमें शामिल किसी को बख्शा नहीं जाएगा। मेरे विचार और प्रार्थनाएं उनके परिवार और दुनिया भर में उनके प्रशंसकों के साथ है। मैं सभी से शांत रहने की अपील करता हूं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी मूसेवाला की हत्या पर शोक जताते हुए लिखा है, सिद्धू मूसेवाला का कत्ल बेहद दुखद और स्तब्ध करने वाला है। मैंने अभी पंजाब के सीएम मान साहब से बात, दोषियों को सख्त से सख्त सजा दिलवाई जाएगी। मेरी सबसे विनती है कि सभी हौसला रखें और शांति बनाए रखें। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। भाजपा नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने पंजाब के भगवंत मान सरकार को घेरते हुए कहा, सिद्धू मूसेवाला बड़े गायक थे। अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की गंदी राजनीति के कारण उन पर जानलेवा हमला हुआ जिसमें उनकी जान चली गई। सबसे पहले वे लोग सुरक्षा वापस लेते हैं और फिर उनके नाम प्रकाशित करते हैं। मैंने चेतावनी दी है कि यह खतरनाक हो सकता है। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर बादल ने मूसेवाला के निधन के बाद लिखा, युवा पंजाब गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के बारे में जानकर स्तब्ध हूँ। उनके परिवार और दोस्तों के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। जिम्मेदार लोगों की अविलंब गिरफ्तारी होनी चाहिए। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। सरकार को इस हत्या की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। मूसेवाले की हत्या के बाद पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा, सिद्धू मूसेवाले की हत्या चौंकाने वाली है। शोक संतप्त परिवार के साथ मेरी संवेदनाएं हैं। पंजाब में कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। अपराधियों को कानून का डर नहीं रहा है। पंजाब सरकार बुरी तरह से विफल रही है। पंजाब में अब कोई भी सुरक्षित नहीं है। पंजाब भाजपा के अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने कहा, पंजाब के मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाले की सरेआम दिन दहाड़े गोलियां बरसाकर हत्या कर दी गई। कल ही उनकी सुरक्षा घटाई थी। मुख्यमंत्री और डीजीपी उनकी हत्या के लिए जिम्मेदार है। वो पंजाबियों को सुरक्षा नहीं दे पाए। ऐसे कातिलों को पद पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता और पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की रविवार को मनसा जिले में अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी। फायरिंग की घटना में सिद्धू मूसेवाला के अलावा दो अन्य लोग भी घायल हुए हैं। सिद्धू मूसेवाला ने मानसा से कांग्रेस टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़ा था। उन्हें आपके डॉक्टर विजय सिंगला ने 63,323 मतों के अंतर से हराया था। मानसा जिले के एक गांव मूसा के रहने वाले मूसेवाला पिछले साल नवंबर में काफी धूमधाम से कांग्रेस में शामिल हुए थे। कांग्रेस ने उन्हें मनसा विधानसभा क्षेत्र से टिकट दिया था, जहां उन्होंने पूर्व मंत्री विजय सिंगला के विरोध में चुनाव भी लड़ा था।